हम साथ एक साथ आ सकें। अगर आप थोड़ा पीछे बैठे तो थोड़ा सा शायद आगे आ सके, मेरे को दिख नहीं रहा अभी लाइट के कारण। आइए हम एक वचन को साथ में पढ़ते हैं। और आज सुबह जब मैं बैठा था तो मैंने यर्मिया 18 पढ़ा, और हम सबको शायद ये बात मालूम है जहाँ पे परमेश्वर का वचन यर्मिया के पास आता है और वो ये कहता है कि जा तू उस कुमार के घर को जा और वहाँ जाके मैं तुझसे बात करूँगा। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पे, ऐसा लिखा यर्मिया 18:1, ऐसा कहता है कि यहोवा की ओर से वह वचन यर्मिया के पास पहुँचा, उठकर कुमार के घर जा और वहाँ मैं तुझसे अपने वचन सुनवाऊँगा। सो मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आमीन। और जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ते तो उसमें ऐसा बोलता है कि परमेश्वर ही बोलता है कि क्या मैं इसी प्रकार जैसे कुमार ने उस मड़ी हुई मिट्टी के साथ किया था, क्या मैं इसराइल के साथ नहीं कर सकता, या क्या मैं तेरे जीवन के साथ नहीं कर सकता। अगर आज हम अपनी बात करें, शायद हो सकता है कि हमारी कुछ चीज़ें बिगड़ी नजर आएं, हो सकता है कि शायद हमारी कुछ बातें उनकी स्थान पर नजर ना आए, लेकिन वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर वो है, उस कुमार के समान है जो हमें दोबारा बना सकता है। आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर आराधना में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज धन्यवाद दे पिता का कि आज हम यहाँ पर हैं और वो हमारा कुमार है। आज हम चाहे जो भी हैं, जैसे भी हैं, मोटे दुबले पतले, या हमारी कोई भी ऐसी अनदेखी बातें जो हमें नज़र आती कि वो उस प्रकार नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। कई बार हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस रहती कि नहीं, ए मतलब ए, बी मतलब बी, राइट। लेकिन परमेश्वर की क्या नीति है आपके लिए, आइए आज हम आराधना में और परमेश्वर की आराधना करके उस बात को अपने आप को सामने रखें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो सब बातों को भली भांति समझते हैं और जानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन सत्य को बताता है और प्रभु जी वो सत्य हमें आज़ाद करता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप वो हैं जिसने मुझे रचा, आप वो हैं जिसने मुझे आज यहाँ खड़ा किया पिता। और मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने मुझे चुना। वचन यूँ कहता है कि उसने हमें पहले चुन लिया, तो पिता हम धन्यवाद देते क्योंकि आपने हमें चुना। प्रभु, इस भेंट को, इस आराधना को हम आपके सामने लेकर आते हैं और हम में से हर एक जन आज अपने हृदय को खोलकर अपने आप को आपके सामने खड़ा करते पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को हम सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। शायद आज सब कुछ खाली है। आमीन। आइए कुछ गीतों को साथ में गाएंगे। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, उसकी उपस्थिति में छुटकारा है। और वचन ये कहता है कि ना मेरे बल से, ना मेरी सामर्थ्य, ना मेरी शक्ति से, पर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। तो कुछ कोरस को साथ में गाएंगे हम लोग, ताली बजा सकते हैं।
आराधना करते हैं। ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वार ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना तो बल से, ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से, ना शक्ति ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से, ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कौन कौन नाश्ता करके आया, करके आए? आमेन। क्या खाए थे? इडली, डोसा, वड़ा, पराठे? आमेन। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तुम जैसे भी हो मेरे भवन में मेरे सामने आ जाओ। कई बार हम लोग बहुत सोचते हैं कि अरे ऐसा नहीं, अरे वैसा नहीं, अरे लोग क्या बोलेंगे। आमेन। लेकिन परमेश्वर को क्या भाता है कि जब उसका बेटा और बेटी वो जैसा उसके सामने आ जाए। आज अगर जूडा मेरे सामने कैसी भी हालत में आ जाए, आई एम वेरी हैप्पी। आमेन। आज हम वही बेटा और बेटी हैं। सो अपने आप को रोकिए मत। अगर आपको गाना नहीं आता, आप आंख बंद करो, आप हाथ उठाओ, क्योंकि ये आपका समय है। ये हम लोग का समय नहीं है, ये गाना गाने का समय नहीं है, लेकिन ये आपका समय है कि आप परमेश्वर से बात कर सको। यीशु नाम की जय, सब नाम में महा, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम।
सामने आते प्रभु जी, उस यीशु मसीह के नाम के साथ पिता हम सामने आते हैं और प्रभु जी हम धन्यवाद देते क्योंकि हमारी चंगाई और हमारी शिफा हमारी खुशहाली और हमारी हर एक बात प्रभु जी उस यीशु मसीह के नाम में पूरी की जाती। प्रभु जी आज मैं आनंदित हूँ क्योंकि आज मैं जीवित पाया जाता हूँ। आज मैं आनंदित हूँ क्योंकि प्रभु जी आपने मेरी सारी जरूरतों को मेरे मांगने से पहले प्रभु जी पूरा किया। और प्रभु जी आज आपका बेटा और बेटी होने के नाते उस आराधना को आपके सामने लेकर आता हूँ प्रभु जी। यीशु नाम की जय, मैं गाऊं यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। आज सब हम लोग अपना आत्मा का के गाएं देते क्योंकि आपका वचन सत्य है पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आज आपका सत्य मुझे आजाद करे। प्रभु जी आप मुझे उस स्थान पे लेके चलिए जहां पे मैं आपको देख सकूं। प्रभु जी जैसा पौलुस कहता है कि हमारे मन की आंखें प्रभु जी तू खोल दे ताकि मैं देख पाऊं। ले चल मुझे तेरे
धन्यवाद यीशु। जब हम प्रार्थना करते हैं We pray that your presence would fill this place. हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेजेंस इस स्थान को भर दे। I pray that you would accept our praise and worship. प्रार्थना करते हैं हमारा स्तुति आराधना आपके ग्रहण हो। In fact, we thank you that you gave us the privilege of walking into your presence, God. धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसा मौका दिया कि हम आपके बीच में आ सके। So as we sit in your presence and receive your word, would you speak to us? जब हम आपके वचन में से सुनते हैं तो आप हम उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें। Your word is life to us. आपका वचन हमारे लिए जीवन है। I pray that this word would encourage us. प्रार्थना करता हूं कि ये वचन हमें उत्साहित करेगा। And I pray that it would challenge us. और हमें चैलेंज करेगा। Thank you for today, God. आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Thank you. You may be seated. आप सब बैठ सकते हैं। What a joy it is to come together one more time to worship our God today. कितने आनंद की बात है हमें एक और मौका मिला परमेश्वर की आराधना करने के लिए। So I want to congratulate you for India winning the World Cup. मैं आप सबको congratulate करता हूँ, बधाई देता हूँ इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे। I'm not going to be a hypocrite. I didn't want South Africa to win. Okay, very simple. I wanted India to win. So I'm glad India won today. मैं खुश हूँ कि इंडिया जीता।
So I'd like you to turn your Bibles to Psalm 112. आइए हम भजन संहिता 112 निकालें. Let's take a moment to read that psalm today. Read it. Go ahead and read it. All 10 verses. भजन संहिता 112. यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं पे अति प्रसन्न रहता है. उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी. उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा. सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है. वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है. जो पुरुष अनुग्रह करता है और उदार देता है, उसका कल्याण होता है. वह न्याय में अपने मुकदमे में जीतेगा. वह तो सदा एक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा. वह बुरे समाचार में नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है. उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा. उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया और धर्म का सदा बना रहेगा. और उसका सिंह मसीह के साथ ऊंचा किया जाएगा. दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा और दांत पीस पीस कर गल जाएगा. दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी. We've been talking about how it is important for us to focus on the legacy we live here on earth. हम कुछ समय से इस बात पे ध्यान दे रहे थे कि हम जो इस पृथ्वी पे कर रहे हैं, हम क्या छोड़ के जाएंगे. What we leave from here matters to God. हम जो यहाँ छोड़ के जाएंगे, वह परमेश्वर उस पे ध्यान देता है. In fact, whenever we talk about inheritance, we are always talking about after we die. We're always thinking about after we die. हम हमेशा मरने के बाद के बारे में सोचते हैं. No, inheritance, leaving an inheritance. हम यहाँ क्या छोड़ के जाएंगे विरासत में, हम उसके बारे में. We are thinking about properties. We are thinking about what we can accumulate to give it away to our children. हम संपत्ति के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, जो हम अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे उसके बारे में सोचते हैं. And we always think about that's after my death. और हम हमेशा ये सोचते हैं ये मेरे मरने के बाद. But truth is, as we began this series, I said, even if you move from one location to another location, when you leave from this place to go to a new place, what people talk about you at the place you left is your legacy. That's a lot, okay? हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम जहाँ से गए हैं वहाँ हम क्या छोड़ के जा रहे हैं. Whatever people talk about us is our legacy. जो लोग हमारे बारे में, हमारे जाने के बारे में बात करेंगे, वही हमारी legacy. Even if we move from one job to another job, the people in the old job, whatever they talk about is your legacy. हम जब एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे जाते हैं, तो जो पुरानी नौकरी में जो लोग हमारे बारे में बात करेंगे, वही हमारे लेगेसी के लिए है. That's why it's important for us to focus on what we leave behind. इसलिए हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या छोड़ के जा रहे हैं. It is important in the sight of God. ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है. Because it not only impacts your life, it impacts the generations that will come after. क्योंकि ये केवल आपकी जीवन पे इंपैक्ट नहीं करती, परंतु आपके जाने के बाद आने वाली जनरेशन पे भी इंपैक्ट. We talked about two different kind of kings who received the same promise from God and the kind of impact they left. हम दो राजाओं के बारे में बात करते हैं जिनको सेम प्रॉमिस मिला था परमेश्वर की तरफ से. डेविड वाज प्रॉमिस्ड बाय गॉड दैट आई विल एस्टैब्लिश योर थ्रोन. दाऊद को परमेश्वर ने वाचा दिया कि मैं तेरा राज्य स्थापित करूंगा. जेरोबोएम वाज गिवन बाय अ प्रॉमिस बाय गॉड दैट ही विल एस्टैब्लिश गॉड विल एस्टैब्लिश जेरोबोएम्स थ्रोन.
जरुबम के बारे में भी परमेश्वर ने यही कहा कि तेरा राज को मैं स्थापित करूंगा. Both of them were given a condition that you must follow what I tell you to do. दोनों के सामने ये कंडीशन रखी गई थी कि मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना है. While David followed the commands of God, Jeroboam disobeyed the commands of God. दाऊद ने उन 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 इंस्ट्रक्शंस को उन निर्देशों को माना परंतु जरुबम ने नहीं. Because of that, David's family was blessed while Jeroboam's family was destroyed. जिस वजह से दाऊद के घराने को आशीष मिली परंतु जरुबम का घराना नष्ट हो गया. So how we live, what we say, what we do, not only matters to us, but it will also impact our children. इसलिए हम क्या कहते हैं, कैसे जीते हैं, वो केवल हमारे जीवन पे असर नहीं रखता परंतु हमारे आने वाली पीढ़ी पे भी. So in week one, I told you, you must pay attention to how you live here on earth. So पहले हफ्ता में मैंने कहा कि आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप इस पृथ्वी पे कैसे जीते. What you are going to leave behind. आप क्या छोड़ के जाएंगे. The second week when I talked about what to leave behind. दूसरे सप्ताह मैंने बताया कि क्या छोड़ के जाना है. How can we leave a good fruit through our lives? एक अच्छे फल अपने जीवन के द्वारा कैसे छोड़ के जाना है? Taking from John chapter 15 and Jesus' instructions on being fruitful, we talked about what does it mean to leave a good fruit. यूहन्ना 15 से हमने देखा कि जिस तरीके से यीशु ने बताया कि एक अच्छा फल अब कैसे होता है. So let me just simplify that message for you so that can you guys remove this mic please so that we can move freely. That Jesus gave one simple instruction, obey my commands and you will be fruitful. यीशु मसीह ने एक ही आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा को मानो तब तुम फलवंत होगे. If you remain in me and I remain in you, if my word remains in you, you will be fruitful. अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहो तो तुम फल लाओगे. That's all Jesus gave. That's the prescription Jesus gave. यही यीशु मसीह ने बताया. So technically, you don't have to do anything. You just have to simply follow the instruction of God. You will be fruitful. So, तकनीकी तौर पे आपको कुछ करना नहीं है. आपको बस परमेश्वर के आदेशों पे चलना है तो आप फल लाएंगे. In fact, Jesus promised that I chose you, I appointed you, so that you can be fruitful. यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें स्थापित किया है ताकि तुम फल लाओ. So that means everything God is doing. इसका मतलब जो भी परमेश्वर कर रहा है. Your job is to obey, and Jesus says, if you obey, I will make you fruitful. और आपका कार्य केवल उसकी आज्ञाओं को मानना है ताकि आप फल बनता हूं. And now today I want to talk about how that fruit is given through our lives. अभी आज हम ये देखेंगे कि वह फल हमारे जीवन हाउ दैट फ्रूट मेक्स योर लाइफ एनरिच्ड एंड हाउ दैट फ्रूट विल मेक अदर्स लाइफ एनरिच्ड. यह फल आपके जीवन को कैसे फलवंत करता है और आप उसके द्वारा दूसरों के लिए कैसे एक आशीष करते हैं. Psalm 112 talks about a man who is blessed by God. भजन संहिता 112 उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित है. How joyful are those who are in fear of the Lord. Isn't that how we began? ये कितनी आनंद की बात है जो परमेश्वर का भय मानते हैं. How joyful are those who delight in the word of God. ये कितनी आनंद की बात है वो लोग जो परमेश्वर के वचन में आनंदित होते हैं. How joyful their children will be blessed. उसके बच्चे कैसे आशीषित होंगे. Because of him. उसके वजह से उसके बच्चे कैसे आशीष. Because this man enjoys obeying God, his children will become successful in everything that they do. क्योंकि यह मनुष्य परमेश्वर के वचन में आनंदित होता है उसकी आने वाली पीढ़ी कैसे आशीषित. Not just his children, but the entire generation that comes after him. केवल उसके बच्चे नहीं परंतु उसके आगे आने वाली पीढ़ी भी आशीषित. They experience the blessing of God because of this man. वो इस आशीष को इस मनुष्य के द्वारा पाते हैं. What did this man do? इस व्यक्ति ने क्या किया? That's what you will see in verses 4 and 5. ये हम 112 के 4 और 5 में देखते हैं. He talks about how because of their generosity, because of their compassion, they are considered righteous. उनके उदारता के वजह से उनको धर्मी ठहराया गया. Not only they are compassionate, but they are generous. वो केवल दयालु ही नहीं परंतु उदार भी हैं. That is considered righteousness for them. यही धार्मिकता उनके लिए ठहरी. That means this is a person who is willing to share what was given to him with others, and that is considered righteousness in the sight of God.
ये इंसान जो उसके पास वो दूसरों के साथ बांट के जो उसने कार्य किया वो धार्मिकता ठहरी परमेश्वर की. When he does that, जब वो ऐसा करता है, in verses 3, the promise is they themselves will become wealthy. तो तीसरे पद में बोलता है कि वो खुद ही धनवान बनेंगे. Not only he will enjoy the blessing, केवल वही व्यक्ति उस blessing को ग्रहण करेगा. His children will also be the ones who are enjoying their blessing. उसके बच्चे भी उस आशीष को ग्रहण करेंगे. Basically, entire psalm boggles down to one single thing, that generosity is the measure of your life. ये पूरा भजन संहिता को कागज सार देखें तो हम यही बोल सकते हैं कि उदारता ही जीवन का प्रमाण है. It's the measure of our life. मापने का प्रमाण है. God looks at our life and considers his righteousness based on the generosity we show. परमेश्वर हमारे जीवन की धार्मिकता यह देख के देखते हैं कि हम दूसरों के लिए कितने. How willing are you to share what God gave you with others? आप कितना दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके साथ. As I looked at this chapter, this psalm, I saw four truths about generosity. जब ये अध्याय को हम देखते हैं, मैं चार पॉइंट्स देखता हूँ उदारता के बाद. Four truths that we all must understand. चार सत्य जो हमें समझना चाहिए about generosity. उदारता के बारे में. Number one. पहला. True joy comes from generosity. उदारता से ही एक सच्चा आनंद मिल सकता है. Many of us are always in search of joy. हम में से बहुत से लोग हमेशा उस आनंद के पीछे पड़े. In fact, everything that we do, we are trying to find some joy in our lives. हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम उसमें आनंद को ढूंढते हैं. Who wants to be dukhi here? आप में से कौन दुखी होना चाहता है यहाँ? No, right? All of us want to be joyful in our lives. हम में से सब अपने जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं. We want to enjoy our life. हम अपने जीवन को enjoy करना चाहते हैं. We want our family to enjoy. हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली उस लाइफ को enjoy करे. We want to have happiness for our children. हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए. So joy is something that we are always in search of. So, आनंद एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हम हमेशा पड़े रहते हैं. Basically, what does it mean by joyful? We want to live without fear. आनंद का अगर हम देखें तो उसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि हमें बिना डर के रहना है. Whenever we face troubles, we don't want to be afraid. That's all it is. जब भी हम एक कठिन परिस्थिति में रहें तो हमें नहीं डरना है. We want to be confident in everything that we do. हम हर एक चीज कार्य जो करते हैं हम उसमें कॉन्फिडेंट रहे. वी वॉन्ट यू नो वेन वी डू समथिंग वी वॉन्ट टू मेक श्योर वॉट वी डू रिमेन्स फॉर एवर. हम चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें वह बना रहे. वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आवर चिल्ड्रन हैव सेफ्टी. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहें. दैट देयर चिल्ड्रन विल ऑल्सो हैव समथिंग टू लिव फॉर. उनके बच्चे भी को किसी चीज की कमी ना हो. दिस इज ऑल वी वॉन्ट इन लाइफ. यही हम चाहते हैं अपने जीवनों में. नाउ the psalmist says, if you want all that, you must learn to become generous. Bhajan Sahita ka likhne wala kehta, agar tum ye sab chahte ho to tumhe udar banna padega. When you choose to give, jab aap dene ke liye aage badhte hain, you will enjoy life. Tab aap apne jeevan mein aanand ko paate hain. You see, here is something that you and I must understand, that God blesses us, and every Christian must understand this. God blesses us so that we can become a blessing to somebody else. हमें ये समझना चाहिए, हर एक मसीह को ये समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं. The people who do not know Jesus may have a false understanding of joy. वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनकी आनंद के बारे में गलत धारणा हो सकती है. They may have a false understanding of blessing. आशीष के बारे में उनके बारे में एक अलग धारणा हो सकती है. But Christians, we must understand, God blesses us so that we can become a blessing. But एक मसीह के तौर पे हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष. When God called Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया. In Genesis chapter 12, उत्पत्ति 12 में. We know that blessing, right? We know the blessing of God to Abraham. हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया. I want you to come out and go to the nation I show you. मैं चाहता हूं तू वहां से निकल और उस जगह जहां मैं तुझे. I'm going to bless you. मैं तुझे आशीषित करना चाहता हूं. I'm going to make you a nation. मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा. I will give you many children and make you a nation. मैं तुझे बहुत से बच्चे दूंगा और तुझे एक बड़ा राज्य बनाऊंगा. I will give you a land where you will be blessed. मैं तुझे एक रहने के लिए एक जगह दूंगा.
where you will be blessed. जहाँ पे तू आशीषित होगा. Look at the kind of blessings God has added to Abraham. देखिए परमेश्वर ने किस तरह अब्राहम के जीवन में उन आशीषों को ऐड किया. But then he says this. परंतु वो ये कहता है. I will bless you. मैं तुझे आशीषित करूंगा. So that you can become a blessing. ताकि तू दूसरों के लिए आशीष का कारण. So the end goal of God when He called Abraham is not Abraham's blessing, it is the blessing of nations. तो इसका end result ये है कि अब्राहम केवल आशीषित ना हो, परंतु उसके आगे आने वाले राज्य हैं वो आशीषित. So God is saying, I will bless you. परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा. My goal is not that you will be blessed. मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि तू केवल आशीषित रहे. I want you to become a blessing to somebody else. मैं चाहता हूं कि तू किसी और के लिए आशीष का कारण बने. That is always been the goal of God. यही हमेशा से परमेश्वर का उद्देश्य रहा है ताकि हम. If you look at the scriptures, everyone God blessed, He made them a blessing to somebody else. अगर हम बाइबल में देखें, परमेश्वर ने जिसको भी आशीषित किया वो दूसरों के लिए आशीष का कारण. In that process, the people who blessed were joyful. इस पूरे प्रोसेस में जो लोग इस चीज से आशीषित हुए वो हमेशा आनंदित रहे. They enjoyed sharing with somebody else. उन्होंने इस आनंद को पाया जब उन्होंने दूसरों के साथ उसको. They were willing to share because they understand this is a command of God to give. उन्होंने दूसरों के साथ इसलिए शेयर किया कि वो इस बात को समझ पाए कि ये निर्देश है परमेश्वर की तरफ से. Some of us, I think we have a wrong understanding of generosity. हम में से कुछ लोग हैं जिनकी धारणा थोड़ी गलत है उदारता के बारे में. I want to break that today. When we talk about giving, we're always, when I say giving must be, giving is a command, we think, oh, that's wrong. Giving should be great out of gratitude. हमारी हमेशा उदारता के देने के बारे में ये. When I say it's a command, you are thinking, no, but that should come from my heart, right? That's how you will think. हम ये सोचते हैं कि जब भी हम देते हैं तो हमारे हृदय से आना चाहिए. Not a command. ये कोई कमांड नहीं है. It should not be a command. ये कमांड नहीं होना चाहिए. But that's I want you to know, God commands us to give. परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए कमांड है. Of course, our giving has to come out of gratitude. ये बात सही है कि ये हमारा देना उदारता से आना चाहिए. But before that, Christians, we need to have an understanding that it's a commission. परंतु मसीह के तौर पे हमें ये बात समझना चाहिए कि ये हमारे लिए एक उद्देश्य, एक कमांड है. Look at First Timothy chapter 6. पहला तिमोथी उसका chapter 6 में देखेंगे. First Timothy chapter 6 verses 17 onwards. Just go ahead and read. इस संसार में धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें. One minute. You will keep reading after I said. Okay, so he's saying, he's talking about dhanwan, right? Those who are rich people. So, is vachan mein, wo dhanwano ke baare mein baat. When you read that, you are thinking, but I'm not dhanwan. Aap soch rahe honge ki main dhanwan nahi hu. I'll tell you what. If you are earning anything more than 10,000 in India, you are in the top 10% of rich people in India. Agar aap India mein 10,000 se upar kama rahe hain, to aap dhanwan hain. You are in the top 10%. आप जो टॉप 10 लोग हैं उनमें से हैं. दैट मींस देयर आर स्टिल 90% ऑफ इंडियंस हु डोंट हैव 10,000 रुपीस एज सैलरी. इसका मतलब ऐसे 90% लोग हैं जिनको 10,000 भी सैलरी नहीं है. सो 10,000 से ज्यादा बोले तो यू आर अ रिच मैन. 10,000 से ज्यादा है तो आप धनवान व्यक्ति. ओके, सो फॉर यू ओनली दिस टेक्स्ट. तो ये ऑल ऑफ अस राइट नाउ, आपके लिए और हम के लिए. नाउ रीड. परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है. Why is परमेश्वर गिविंग टू अस? What did he say? परंतु whatever he is giving. परंतु परमेश्वर जो भी तुम्हारे सुख के लिए. किसके लिए दे रहा है? सुख के, हमारे सुख के लिए. He is giving for our joy, for our enjoyment, right? Next. वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने. So not only you get to enjoy, what he is saying is, tell rich people not only to enjoy what they are earning, but learn to share that with others. केवल धनी नहीं बनो, परंतु दूसरों के साथ उसको बांटना भी सीखो. You need to enjoy at the same time you need to give. उन चीजों का आनंद लो, परंतु दूसरों के साथ भी बांटो. Go ahead, read. और उदार और सहायता देने में तृप्त हो
और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें. यू इफ यू वांट टू एंजॉय फ्यूचर देन यू मस्ट लर्न टू गिव टुडे. अगर आप अपने फ्यूचर को आनंद करना चाहते हैं तो आज आपको देना होगा. इफ यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ इन द फ्यूचर यू नीड टू ले फाउंडेशन टुडे बाय गिविंग. अगर आप भविष्य में एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो आपको आज देने के द्वारा इन्वेस्ट करना. हाउ ही स्टार्टेड दिस टीच कमांड दिस पीपल. ये कैसे कैसे ये शुरुआत हुई एक आज्ञा के रूप में. दैट्स व्हाट ही सेड. I want you to know that this is a commission. This is a command from God to give. यह एक आज्ञा है परमेश्वर की ओर से देने के बारे में. It's not only a command, it's a responsibility. यह केवल एक आज्ञा नहीं है but यह हमारी responsibility है. Because we people who are blessed by God, not only we get to be part of the family of God, it's our responsibility that those who are not in the family of God should come into the family of God. हमें से वो जो परमेश्वर की परिवार में आशीषित हुए हैं हमें उन लोगों से भी वो शेयर करना है जो परमेश्वर की फैमिली के पार्ट नहीं है ताकि वो फैमिली का पार्ट बने. When you accept Jesus, you receive salvation. जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब आप उद्धार को ग्रहण करते हैं. When you receive salvation, you become part of the family of God. जब आप उद्धार को ग्रहण करते हैं तब आप उस परिवार का हिस्सा बनते हैं. Right, that's what Bible teaches us. Anybody who accepts Jesus has now become a child of God. जो भी परमेश्वर जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो इस परिवार का हिस्सा बनता है. So that means you before everybody else came into the family of God. सबसे पहले आप आ गए अंदर, right? you became a Christian, you became a child of God. जब आप इस परिवार का हिस्सा बन गए तब आप उस जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया. But there are people outside who have not yet come into the family of God. परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं. So it is our responsibility to share the gospel. So they can also come into the family of God. तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सुसमाचार को उनको सुनाएं ताकि वो इस परिवार का हिस्सा बन सके. Just as much as it is important for us to share the gospel, it is also important for us to share the blessing of God. जिस तरीके जितना जरूरी हमें परमेश्वर के वचन दूसरों को बताना है उतना ही दूसरों के साथ बांटना भी बहुत जरूरी है. So that they may see the love of God in our lives and come to Christ. ताकि वह परमेश्वर के प्रेम को देख सके और फिर यीशु मसीह में उस परिवार का सिंपल. When you follow the command, जब आप उस कमांड को फॉलो करेंगे. When you understand it is your responsibility, जब आप इस बात को समझेंगे कि यह आपकी जिम्मेदारी है. You will begin to make it a habit and you will begin to enjoy it. तब आप उसे एक आदत के रूप में देखेंगे और आप उसका आनंद लेंगे. All of us, our parents, we understand this, right? What I'm about to share. When your child is growing up, जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, for them brushing their teeth is the hardest job. अपने दांत को साफ करना सबसे बड़ा काम. Right? When they're kids, you make them get up, go brush your teeth. हम बच्चों को बोलते हैं उठो जाओ ब्रश करो. They won't want to do that. वो नहीं करना चाहते. They will resist. वो रोकेंगे. But you will not give up. But आप उस आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे. You will keep making them get up every day, keep pushing them into the bathroom, asking them to take a brush and brush their teeth. परंतु आप इस बात पे निरंतर लगे रहेंगे कि जाओ अपने दांतों को साफ करो. At some point it becomes a habit to them. कुछ समय के बाद ये उनके लिए एक आदत बन जाए. That they will go automatically get up in the morning, go into the bathroom, start brushing their teeth. वो खुद से उठेंगे और अपने दांत साफ करेंगे. Now you don't have to wake them up to go to the bathroom. अब आपको ये नहीं करना कि उनको उठा के ब्रश करने के लिए. So now what was a command has become a habit. तो जो पहले एक निर्देश था अब वो एक आदत बन गया. You understand that? Now it has become a habit to them. अब ये उनके लिए आदत बन गया. They may still not enjoy it, but it has become a habit. वो इस बात को मैं आनंद ना लें परंतु अब ये उनके लिए एक आदत बन गई. After they grow little more, जब वो और बड़े हो जाएंगे, they will start enjoying the brushing their teeth. तो वो इस बात का आनंद भी लेने लगेंगे. Because they smell good now. Because उसके बाद they understand, oh, if I brush my teeth, I smell good. I better brush my teeth. वो इस बात को समझ जाएंगे कि अगर मैं ब्रश करूंगा तो मेरे दांत साफ रहेंगे और मेरे मुंह से बदबू. Now listen, when they start enjoying brushing the teeth. जब वो इस बात का आनंद लेने लगेंगे. Others are also blessed. दूसरे भी आशीषित होंगे. Yes or no? Others are also blessed. दूसरे भी आशीषित होंगे. You understand the connection now? That's why God is asking you, make it a command to give.
इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं इसको आज्ञा के तौर पे लो. राइट नाउ इट्स हार्ड टू गिव. ये समय देना थोड़ा मुश्किल है. इट्स अ डिसिप्लिन टू गिव, राइट? It's a discipline. देना एक discipline है. But even though it is hard, if you start learning to give, it becomes a habit. It later on turns into something that you enjoy. ये शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है, परंतु जब ये आदत बन जाता है, तब हम इसमें आनंद को पाते हैं. And then you will begin to see how it is becoming a blessing to somebody else. तब हमें पता चलता है, हम देखते हैं कि ये दूसरों के जीवन के लिए कैसे आशीष का कारण. So joy comes from generosity. इसलिए आनंद उदारता के से आता है. The second truth. दूसरा सत्य. That there is power in sacrificial giving. बलिदान पूर्ण उदारता में शक्ति है. So when people start giving, there are times when they have to give out of their lives. जब लोग देते हैं, तब ऐसे कई बार होते हैं जब उन्हें अपने जीवनों में से देना होता है. This man in Psalm 112 is not only a man who gave out of what he has, he is also a man out of who gave sacrificially too. 112 भजन में हमने देखा ये मनुष्य जो अपने जीवन से दे रहा है, इसके साथ साथ वह बलिदान के रूप में भी अपने से दे रहा है. So let's say if I earned 100 rupees. अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ. And I gave 10 rupees out of 100 rupees. और मैं इसमें से 10 रुपए दे देता हूँ. Because my need is only 80 rupees. क्योंकि मेरी आवश्यकता केवल 80 रुपए. I still have 20 rupees excess. I still have 20 rupees, right? Yeah. Out of 100 rupees, I still have 20 rupees excess. अब भी मेरे पास 20 रुपए हैं. So out of that 20 rupees, giving 10 rupees is not a problem. उन 20 में से 10 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं. Or even to give 20 rupees is not a problem. वो 20 रुपए देना भी कोई बड़ी बात. Because my needs are met at 80. क्योंकि मेरी आवश्यकताएं 80 में पूरी हो गई हैं. But sacrificial giving is giving out of the 80. परंतु बलिदान पूर्ण उदारता उस 80 में से देना है. You already gave 20. आप पहले ही 20 दे चुके हैं. You had only 80 rupees left in your hand. अब आपके पास केवल 80 रुपए हैं हाथ. But you see a need somebody else has. परंतु आप एक दूसरे की जरूरत को देख रहे हैं. You need the 80 rupees. आपको उन 80 रुपए की जरूरत है. But you decide, okay, the person who has need, his need is more important than what I need right now. Let me give more to him. परंतु आप देखते हैं कि जो सामने वाला पर इंसान है, उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, तो आप उस 80 रुपए में से देते. When you start doing that, जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, you will begin to see you are experiencing the miracles in your life. तब आप अपने जीवनों में उन चमत्कारों को देखेंगे. The widow of Zarephath experienced that. उस विधवा ज़रिफात की ने वही अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया. In 1 Kings chapter 17 you see this woman who has got only little flour and little oil. इस विधवा के पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था. With that she can only make one roti. उससे केवल वह एक ही रोटी बना सकती. She was thinking, okay, I'll make one roti. Me and my son will share it. This is all I have. इससे एक रोटी है, उससे रोटी बना के मैं और मेरा बेटा खाएंगे. At that point, that's the only thing she has, and that's all she needs. उस समय उसके पास केवल वही था और वही उसकी जरूरत थी. When the third person came and said, "Can I have some more?" जब एक तीसरा इंसान बीच में आया और बोला कि क्या मुझे थोड़ा दे सकते हो? She could have told him, "No, I've got only for my and my child." वो ऐसा बोल सकती थी कि मेरे पास थोड़ा ही है मेरे और मेरे बेटे के लिए. And nobody would have said no to her. उसको ना शायद कोई नहीं बोल सकता होगा. I don't think Elijah would have got angry also. मेरे ख्याल से शायद अलाइजा उस समय उस बात पे ज्यादा गुस्सा भी नहीं करता. But when she decided that she would share it with Elijah. परंतु उस समय जब उसने इस बात का निर्णय लिया कि वो शेयर करेगी, बांटेगी. Even though it is only enough for both of them, she decided to share third person. ये जानते हुए कि वह थोड़ा ही है उसके और उसके बेटे के लिए, उसने फिर भी शेयर किया अलाइजा के साथ. Then what little she has became a miraculous thing. तो जो उसके पास थोड़ा था वह एक चमत्कार हो गया. That all through the drought, this flour and this oil never went down. कि पूरे अकाल के समय वो थोड़ा सा तेल और आटा कभी खत्म. You see, when you give sacrificially, you will begin to experience the miracles of God in your life. जब आप इस बलिदान पूर्ण उदारता को दिखाते हैं, तब आप परमेश्वर के और से उन miracles को अपने life में देखते हैं. We must learn to give sacrificially. हम सब मसीह को देते समय बलिदान पूर्ण रीति से देना चाहिए. Now we all know. When we earn something, out of that, one portion belongs to God. हम जानते हैं, हम जो भी कमाते हैं, उसमें से उसका एक हिस्सा परमेश्वर का है. We call it tithes. We give our tithes to God.
जिसे हम दशमांश कहते हैं, जो परमेश्वर को देते हैं। If I earn 100 rupees, 10 rupees belongs to God. I should not touch that money. So अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ, तो 10 रुपए परमेश्वर का, मुझे वो नहीं छूना चाहिए। The rest of it is mine. बाकी मेरा है। Sacrificial giving is giving out of the rest of the money. बलिदान पूर्ण देना उस बचे हुए पैसे में से देना है। When you give out of that, then God teaches how miracles can be experienced by us. जब हम उसमें से परमेश्वर के कार्य में देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। Some of us would say, "Listen, but I worked hard." आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने बहुत मेहनत की इसे कमाने। Nobody helped me. किसी ने मेरी मदद नहीं की। You are asking me to help somebody else, but nobody helped me. तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं दूसरे की मदद करूं, मगर मेरी किसी ने मदद नहीं की। Nobody said a kind word to me. किसी ने मेरे बारे में भली बातें नहीं कही। Nobody gave a helping hand to me. किसी ने मेरी मदद के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया। Nobody ever encouraged me. किसी ने मुझे कभी उत्साहित भी नहीं किया। I worked hard. मैंने कड़ी मेहनत की। I went through tough times. मैं कठिन परिश्रम किया। I went through so many sleepless nights. मैं कितने रातों को बिना सोए रहा हूँ। Whatever I have, I worked for it. जो भी मेरे पास है, मैंने उसके लिए काम किया। How can I give what I earned hard? तो मैं कैसे दे सकता हूँ जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया है? But when you give out of that. परंतु आप उसमें से जब देते हैं, That is the highest form of generosity. तो वो सबसे उच्च कोटि का उदारता है। There is a woman who came to Jesus with an alabaster jar of oil. एक औरत है जो एक संगमरमर के पत्थर में इत्र को लेके आई। She broke that at the feet of Jesus, poured that oil on the feet of Jesus. वो यीशु के पैर के पास उसने उस बर्तन को तोड़ा और उसे तेल से यीशु के पैर पोंछा। We all remember that incident. हमें इस कहानी के बारे में पता है। There are a lot of people around Jesus. बहुत से लोग यीशु मसीह के चारों ओर हैं। Among all the people, only two thoughts are going. Among all the people, there are only two thoughts. उन सब लोगों के बीच में केवल दो ही बातें चल रही थी। One group is thinking. एक ग्रुप इस बात को सोच रहा है। What a waste of money. ये क्या पैसे की बर्बादी है? Another group is thinking. और दूसरा ग्रुप इस बात को सोच रहा है। What a sinful woman this is. क्या पापी स्त्री है ये है? You see that? Either the waste of money or the sinfulness of this woman. Only two thoughts. केवल दो ही सोच चल रहे हैं, पैसे की बर्बादी और ये पापी स्त्री। But Jesus is not thinking any one of them. परंतु यीशु मसीह इन दोनों में से किसी के बारे में नहीं। Jesus is looking at what she's doing, with what kind of heart she's doing that. परंतु यीशु मसीह यह देख रहे हैं कि किस हृदय के साथ यह स्त्री कर रही है। It would have taken so much sacrifice for her to do what she's doing. इस चीज के लिए उसको बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा होगा जब वो ऐसा कर रही है। Let's understand this woman. इस औरत को हम समझते हैं। She is a sinful woman. वह एक पापी स्त्री है। It simply means she is a prostitute. वह एक वेश्या है। That's what it means. She is selling her body to make money. वह अपने शरीर को बेच रही है पैसा कमाने के लिए। So the more she sells her body, the more she makes money. वो जितना अपने शरीर को बेचती है, उतना उसको पैसा मिलता है। If a woman came to a place where she is selling her body, imagine her situation in the past. ऐसी स्त्री जो यह कार्य करती है सोच के देखिए कि उस समय उसकी क्या स्थिति होगी। Why she is selling her body? वो ऐसा क्यों कर रही है? She must be absolutely poor. वो बहुत गरीब होगी। There is no option for her to do any job. उसके पास और कोई जरिया नहीं होगा काम करने का। There is no way to make money. कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। Nobody is giving job. कोई उसे काम नहीं दे रहा। Because she is desperate, she sells her body so she can have some money. क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, इसलिए उसको अपना शरीर बेचना पैसे के लिए। Or somebody forced her to go into prostitution. या उसे किसी ने विवश किया ऐसा कार्य करने के लिए। I don't think there would be any woman in this world who will sell her body just for the sake of fun. मैं नहीं मानता कि कोई भी स्त्री ऐसा इस दुनिया में ऐसा करेगी केवल आनंद के लिए। She will come to that place only because of desperation. वो इस स्थिति में तभी आएगी जब वो उस बात के लिए मजबूर हो जाए। Now she is selling her body. वो अपने शरीर को बेच रही है। And making that money. और वो पैसे को बना रही है। In order to buy, that is, you know, the alabaster jar of oil must be this size. उस इत्र का बर्तन इसके इस साइज का होगा। In order to buy this, यह खरीदने के लिए, you know, some of them are thinking about the waste of money. No, they are saying this would cost 1 year's of wage. उसमें जो लोग ये सोच रहे थे कि क्या पैसे की बर्बादी, वो लोग बोल रहे होंगे कि ये एक साल की कमाई है।
to buy one jar. एक ये ऐसा जार खरीदने के. That means if I work for 365 days, 8 hours a day, I will make enough money to buy one jar of alabaster oil. इसका मतलब मैं 365 दिन 8 घंटे काम करूं तब जाके ऐसा ये जार खरीद. एक पूरा साल काम करना पड़ेगा मेरे को एक खरीदने के लिए. Now that means this woman. इसका मतलब ये स्त्री. Sold her body. अपने शरीर को बेचती है. Every day for a year. हर एक दिन पूरे साल भर के लिए. To save enough money. ताकि वह उतना पैसा बचा सके. So that she can buy this. और ऐसा एक बर्तन खरीद सके. She comes and breaks that at the feet of Jesus. वो आके ऐसे इस बर्तन को यीशु मसीह के पैर के पास तोड़ती है. That's called sacrificial giving. या बलिदान पूर्ण उदारता है. Do you understand now? I know you worked hard, you earned it, nobody helped you. But even though that happened in your life, if you still give, that brings a miracle into your life. मैं मानता हूँ आपकी किसी ने मदद नहीं की, परंतु ऐसे स्थिति में भी आप जब देते हैं तब वो चीजें आपके जीवन में एक मिरेकल को लेके आती है. Why am I talking about sacrificial giving? मैं इस बलिदान पूर्ण देने के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? Because when you give like that, you are killing yourself. क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तब आप अपने आप को मारते हैं. It's not the jar of oil. ये कोई इत्र का बर्तन नहीं है. You are sacrificing yourself. आप अपने आप को बलिदान दे रहे. That is what Jesus is looking at in that woman. वही यीशु मसीह उस स्त्री के अंदर देख रहे हैं. Not this. उस बर्तन को नहीं. Not her profession. उसके काम को नहीं. Not the value of this. ना कि उस इत्र के कीमत को नहीं. What she is sacrificing there is herself. जो वो जिस चीज का बलिदान दे रही है वह उसका खुद का बलिदान है. When you come to that place. जब आप उस स्थिति में आते हैं. When you stop thinking about yourself. जब आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं. Even though you have a right to think about yourself. तो भी जबकि आप उस बारे अपने आप के बारे में सोचने के लिए आप उस आपका अधिकार है. If you still say no, I'm not going to think about myself. I will do something for others. God does a miracle in our lives. फिर भी आप इस बात का निर्णय लेते हैं कि मेरे पास इन सब चीजों का अधिकार है, फिर भी आप दूसरों के लिए करते हैं, तब परमेश्वर पिता आपके जीवन में चमत्कार. Those are the people who leave a legacy behind them. ये वो लोग हैं जो एक लेगेसी को पीछे छोड़ के जाते हैं. The third truth. तीसरा सच. Truth number one, joy comes from generosity. पहला सच आनंद उदारता से आता है. Truth number two, sacrificial generosity has a power. बलिदान से पूर्ण उदारता में शक्ति है. Number three, cheerful generosity pleases the heart of God. तीसरा आनंद से देना परमेश्वर को भाता है. When you give with joy. जब आप आनंद से देते हैं. When you give cheerfully. जब आप खुश होके देते हैं. Then God is happy with that. तब परमेश्वर आपके देने से प्रसन्न होते हैं. Because when I say command, you will give out of obligation. जब मैं आज्ञा बोलता हूँ तब आप एक नियम के अनुसार देते हैं. Yeah, it becomes compulsory for you. तो आपके लिए compulsory है देना. That means in your heart you don't like it. तब आप अपने हृदय में शायद उस बात को पसंद नहीं करेंगे. But you still give. परंतु फिर भी आप देते हैं. Because pastor said. क्योंकि पास्टर ने बोला है. इतना बोला अब तो देना पड़ेगा. You know, that's how it is. That's why I'm saying no. When you give, you must give with joy. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी दें आनंद के साथ दें. In 2 Corinthians chapter 9. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9. Paul talks about generosity. Paul उदारता के बारे में बोलता है. He is talking to the church in Corinth. वो कुरिन्थ के कलिसिया को बोलता है. The rich people. He is talking to the rich people only. अमीर लोगों को. And he's saying, listen. The church in Corinth. वो कहता है कि कुरिन्थ के लोगों. I am glad you are a generous person. You are generous people. मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि तुम लोग उदार लोग हो. I know you want to give. मैं जानता हूँ तुम लोग देना चाहते हो. But for some reason you stopped giving. परंतु कुछ कारणवश तुम लोगों ने देना. Whatever reasons you have. कुछ भी कारण है. It could be genuine reason. वो हो सकता है सही कारण है. But you committed that you would give. परंतु तुमने इस बात का कमिटमेंट दिया है कि तुम दोगे. यू डोंट नो द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस यू एग्जर्ट थ्रू योर गिविंग. तुम ये बात नहीं जानते कि तुम्हारे देने से कितने लोग प्रभावित होते हैं. जस्ट बिकॉज यू कमिटेड टू गिव. क्योंकि तुमने इस बात का कमिटमेंट दिया कि तुम दोगे. द चर्च इन मैसेडोनिया हर्ड अबाउट योर कमिटमेंट. मैसेडोनिया की कलीसिया भी देने के लिए आतुर है. लिसन टू दिस.
When Paul is writing this letter to the church in Corinth, Corinth church has not yet given the money. जब पॉलुस कुरिन्थ की चर्च को ये लिख रहा है तब कुरिन्थ की चर्च ने पॉलुस को कुछ दिया नहीं है. They only promised will give. उन्होंने केवल इस बात का वाचा दिया कि वो देंगे. But Paul is saying, only by your commitment, Macedonian church gave. तुम्हारी इस बात से बस कहने से दूसरी कलीसिया ने दिया है. The Macedonian church heard that you committed to give. They said we also want to give. दूसरी कलीसिया ने जो सुना कि तुम लोग दोगे तो उन लोग ने दिया है. And they actually gave out of their poverty. और उन्होंने अपनी कमती में से दिया हुआ है. Compared to your church, this church is small. तुम्हारी तुलना में वो कलीसिया बहुत छोटी है. Compared to your richness, they are absolute poor. तुम्हारे धन के comparison में तुलना में वो तो बहुत गरीब है. In fact, he uses the word that they are in abject poverty. They're basically below the poverty line. वो बहुत बहुत ज़्यादा गरीब हैं, देने में सक्षम नहीं है, फिर भी दिया है. And yet they inspired by you and they gave to the church in Jerusalem. फिर भी तुम लोगों से इंस्पायर होके वह जेरुसलिम की कलीसिया में दिए हैं. Now listen, Paul is being very sarcastic, okay? That's what he's doing with Corinthian church. He's being very sarcastic, saying, "Fellow, you promised and you didn't give, but somebody else gave." पॉलुस इस वचन में बता रहा है कि कुरिन्थ के लोगों को बता रहा है कि तुम लोगों ने बोला तुम लोग दोगे परंतु दूसरों ने दिया, तुमने नहीं दिया. Now if you don't give, अब जब तुम नहीं देते हो, I will be embarrassed. तो मैं शर्मिंदा होऊंगा. Because I am telling everybody, Corinth church is going to give, Corinth church is going to give, Corinth church is going to give. क्योंकि मैं जा के सबको बोल रहा हूँ कि कुरिन्थ की कलीसिया देगी. You promised, right? तुम लोग ने इस बात का वाचा दिया. And I am telling everybody, Corinth church is going to give. मैं सबको जाके बोल रहा हूँ कि कुरिन्थ की कलीसिया. So if you don't give, I'll be embarrassed. तो अगर तुम नहीं देते हो तो मैं शर्मिंदा होऊंगा. And you will be embarrassed. और तुम भी शर्मिंदा होगे. And so he says, you better give. कह रहा है तो तुम दो. I'm not reading the entire. You can go and read. You will understand. I'm saying exactly as it is. So he says, therefore, whatever you set aside in your heart, you already decided to give, right? I'm not asking you newly. You already decided in your heart what you want to give. Whatever you decided in your heart, give it. तो वह बोलता है कि तुमने अपने हृदय में जो भी रखा है कि जितना तुम दोगे उतना दो. Right? That's what he's telling them. And then he says, और तब वह कहता है, when you give, जब तुम दो, don't give because I asked you to give. इसलिए मैं दो क्योंकि मैंने तुमसे कहा है. Don't give it obligatorily. एक नियम के अनुसार मत दो. पास्टर आके गालियां दिया, अब तो देना ही पड़ेगा. Don't do that. Right? That's what he's saying. Don't give out of compulsion. Don't give out of grudge. बाध्य हो के या कुड़कुड़ा के मत दो. दोनों बोल दिया. And don't give with hypocrisy. Don't give with hypocrisy. Don't play act. Don't try to. बनावटी तौर पे मत दो. Don't. ठीक है, पास्टर के सामने ऐसे कुछ तो भी ऐसा फेस रख के देख. Don't do that too. That's what he said. So don't give grudgingly. Don't give because of compulsion, because I asked you to do, or don't act in front of me. That's what he said. कुड़कुड़ा के या फिर अपने आप को किसी नियम के अनुसार समझ के या किसी के कहने पे देके मत दो. At least Paul is more decent. Jesus is straightforward. Paul is little more. यीशु मसीह ने तो सीधे बोला था. Paul तो भी थोड़ा decent बोला हमको. Jesus in Matthew chapter 6 says, fellow, when you give, don't even let your right hand know what your left hand is doing. यीशु मसीह बोलता है कि जब तेरा दाहिना हाथ दे रहा है तो बाइना हाथ को पता ना चले. You don't ever do in front of people. दूसरों के सामने ये सब मत करो. You don't want your name to be appreciated by everybody. ऐसा मत सोच के करो कि तुम्हारा नाम सबके बीच में काफी माना जाए. When you expect people to clap for you, जब आप इस बात की एक्सपेक्टेशन रखेंगे लोग आपके लिए ताली बजाएं. I won't clap for you. मैं तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाऊंगा. That's Jesus. यीशु मसीह कह रहा है. He says, you want the church to appreciate you, I will not appreciate you. तुम चाहते हो कि कलीसिया के लोग तुम्हारे लिए इस कार्य के लिए ताली बजाएं, मैं नहीं करूंगा. This is cheerful giving. या खुशी से देना है. He is teaching, don't do all that, but when you give, give with whole heart.
वह ये सिखा रहा है कि जब भी दो अपने पूर्ण हृदय से दो. Because you committed to give, give it with heart, full heart. क्योंकि तुमने इस बात का कमिटमेंट दिया तो अपने पूरे हृदय से दो. When you do that, जब आप ऐसा करते हो, it pleases God. तो वो यीशु को प्रसन्न करता है. You see the connection now? Cheerful heart pleases God. आनंदित हृदय परमेश्वर को. Cheerful giving pleases God. आनंद से देना परमेश्वर को भाता है. It means I will not expect anything. It means I will not expect anything back. इसका मतलब मैं उसके बदले में कुछ नहीं इच्छा करूंगा. Many of us give because we expect something back. हम में से बहुत से लोग देते हैं क्योंकि हम कुछ वापस पाने की इच्छा रखते हैं. When we give to God, जब हम परमेश्वर को देते हैं, or at least to the church, whatever, there are two things you are expecting. तब हम दो चीजों की इच्छा रखते हैं वापस में. Bible says, if I give, God will give me back. बाइबल बताती है कि जब मैं परमेश्वर को दूंगा परमेश्वर मुझे वापस. So let me give so that I can get back. तो मुझे मैं देता हूं ताकि मुझे वापस मिले. That's not giving. वह देना नहीं है. Oh, that's called business. वह व्यापार है. Right? If you go to a shop, you give money, they give you something. आप किसी दुकान में जाते हैं उसे पैसा देते हैं और आपको वापस में कुछ मिलता है. You understand that? This is not business. Giving to God is not a business. परमेश्वर को देना business नहीं है, व्यापार नहीं है. So Jesus says, don't expect anything back. यीशु मसीह कहता है कि वापस कुछ मिलेगा ऐसा मत रखो. It does not mean God won't give back. That's not what it means. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कुछ बदले में नहीं देगा. But when you give, don't expect anything back. परंतु जब आप दो तो कुछ वापसी में अपनी इच्छा मत रखो. Either some of us are expecting something back from God, or some of us are expecting something back from people. या तो हम देने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर कुछ दे या तो फिर लोग हमें वापस में कुछ दे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन नीड, मान लें कि मेरी कोई जरूरत है एंड आई गिव यू और मैं तुम्हें देता हूँ एंड आई से डोंट नो प्रॉब्लम ब्रदर कीप द मनी डोंट हैव टू पे मी बैक और मैं अगर ये बोलता हूँ कि ये पैसा रखो भाई और वापस करने की कोई जरूरत नहीं है. Your expectation, most of us, okay, not Capstone, not you, but most of us. बहुत से लोग they will think Anoop should come back one day and say thank you brothers, thank you so much for giving. आप बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं वापस आके बोलूं धन्यवाद भाई. Now we don't actually say that, but that's our expectation. ये बोलेंगे नहीं परंतु ये हमारी इच्छाएं रहेंगी रिटर्न. Inside our heart, if he never says thank you, we are angry. अगर इसके बदले में अगर मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा तो फिर गुस्सा आएगा. Right? You're thinking that fellow Anoop, he took money but never said thank you to me. ये अनूप ने पैसा लिया परंतु मुझे कभी धन्यवाद ही नहीं दिया. ऐसा बर्ताव करता है कि मैं कुछ भी नहीं दिया इसको. You know, he acts as if I didn't do any favor to him. I did so much favor to him. मैंने इसके लिए इतना कुछ किया. You see that is what Jesus is saying. Don't expect that. यीशु मसीह ये बोल रहा है कि ऐसा बदले में मत सोचो. When you give, that's it. जब तुम देते हो तुमने दिया. वापस में मत सोचो. Once you give, you're not thinking about it. जब आपने दे दिया है तो उसके बारे में फिर मत Listen, सोचो. When you give, that person is not responsible to give an account to you. जब आपने दिया तो इस बात को ध्यान रखें वह मनुष्य आपको उस चीज का हिसाब देने के लिए नहीं है. वो हिसाब ऊपर वाला को देगा. वो परमेश्वर को हिसाब देगा. He is not responsible to you. वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. Jesus is trying to drill that in our head. यीशु मसीह उस बात को हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं. Don't expect anything back. कुछ वापसी में expect मत करो. Don't expect appreciation also. किसी चीज का बढ़ाई भी वापसी में मत सोचो. Just give, that's it. Just दे दो. That is true mark of generosity. यही एक सच्चा उदारता है. Christians should come to that place. मसीह को उस स्थान पे पहुंचे. I understand all Christians are not like that. सारे मसीह लोग उस लेवल पे नहीं हैं. I'm not going to talk about other Christians right now. I want बाकी मसीह लोगों के बारे में नहीं बात. I want you Capstonians to come to that place. मैं इस कलीसिया के लोगों के लिए बोलूंगा कि हमें उस स्थान तक पहुंचना है. We every time we have an opportunity to teach you, this is what I'll teach you. जब भी मुझे इस बात का मौका मिलेगा सिखाने के लिए मैं ऐसा सिखाऊंगा. Give, don't expect anything back. दो और वापसी में कुछ इच्छा मत रखो. Don't let your mind go there at all. अपनी सोच को भी उस तरफ जाने मत दो. This is true character of generosity. यह एक सच्चा character है उदारता का. That's what Jesus did. यही यीशु मसीह ने किया. When Jesus died for us. जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा. We were still sinners. हम लोग पापी ही थे. Bible says in Romans chapter 8. Paul says in Romans chapter 8 that Jesus died for our sins while we were still sinners.
रोमियो 8 में कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा जबकि हम पाप में ही थे. You see this? There is no expectation from us. He just decided to give himself for us. उसके रिटर्न में उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी वह हमारे लिए मरा. I can't believe that kind of generosity. उस तरीके की उदारता को मैं नहीं समझता. For God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. That he gave his only begotten son. कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया. He is not saying anything else beyond that. If you believe, you'll have eternal life. अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए अनंत जीवन है. You don't have to do anything. God did everything, and he just wants you to come and accept it. तुम्हें कुछ नहीं करना, परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ कर दिया है, आके उसे ग्रहण करना है. It's a such a great example of generosity. ये सबसे बड़ा उदाहरण है उदारता का. While I was sinner, Christ died for my sin. जब मैं पाप में ही था, तब यीशु मसीह मेरे लिए मरा. Bible says this is how God showed His love. That's what it says. इस तरीके से बाइबल बताती है कि इस तरीके से परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट किया हमारे. That means when Jesus died on the cross, इसका मतलब जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, He died for everybody. वो हम सब के लिए मरा. He died for everybody. वो हम सब के लिए मरा. Those who were born before Him, जो उसके पहले पैदा हुए. Those who will be born till He comes. जो उसके बाद भी पैदा होने वाले हैं. Till Jesus comes back. उसके वापस आने के पहले तक. He died for everybody. वो सब के लिए मरा. Now, Jesus does know that among all these people, there will be many people who will not accept salvation. वो ये भी जानता है इसके बीच में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो उसके उदारता को ग्रहण नहीं करेंगे. They will reject Jesus. वो यीशु मसीह को नकार देंगे. But Jesus still paid for them. परंतु फिर भी परमेश्वर ने उन सब के लिए पे किया. You see the sacrifice? आप इस बलिदान को देखें. It's an amazing example of generosity. ये बहुत सुंदर उदाहरण है. May we learn from our Lord. हम यीशु मसीह. When God demands generosity, it's something that he already exhibited for us. He already showed that generosity to us. वो उसने पहले ही हम सबको अपनी उदारता दिखाया है. And then he's saying, now show the same generosity. और उसके बाद वो हमसे बोलता है कि अब तुम उदारता को दिखाओ. Show generosity to others. दूसरों को उस उदारता को दिखाओ. May we as Christians come to that place. हम मसीह उस लेवल तक, उस स्थान तक पहुंच सकें. Let me bring the fourth point, and then I'll use one example and close. अब मैं चौथे सत्य को लेके आऊंगा, उसके बाद हम. The fourth principle that we truth that we learn is that generosity leads to a wise life. चौथा सत्य यह है कि उदारता एक बुद्धि से पूर्ण जीवन को की तरफ लेके. That means when I give, I learn to live wisely here on earth. इसका मतलब जब मैं देता हूँ, तब मैं इस पृथ्वी पे बुद्धि के साथ जीता हूँ. I really loved Psalm 112 because this man, through his generosity, learned how to live confidently. 112 भजन में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उदारता के वजह से यह मनुष्य अपने जीवन में किस तरीके से. In verses 4, he says, Bible says he is a compassionate man, he is a generous man. चार में बोलता है वो उदार मनुष्य है, वो दूसरों को दिल से देता है. But from verses 5 onwards, it tells us what the kind of result in his own life. पांच के बाद से हम देखते हैं कि इस सब का क्या रिजल्ट निकला उसकी लाइफ. He conducts all his business in the right way. वो अपना सारा काम बड़े अच्छे से करता है. He will not be afraid of the situation that he is in. उसके चारों तरफ जो भी स्थिति है वो उससे डरता नहीं है. When enemies come, he will triumph over them confidently. जब शत्रु उसके सामने आते हैं तो वो उन पे विजय पाता है. You see the result? The life is becoming better. His life is becoming better because of his generosity towards others. हम देख सकते हैं कि उसका जीवन कैसे बदल रहा है, बेहतर हो रहा है जब वो दूसरों के जीवनों में दे रहा है. Why does it become better? वो बेहतर क्यों हुआ? Because you are investing into the eternity. क्योंकि उस अनंत जीवन के लिए वह दे रहा है. When you're giving to others, जब आप दूसरों को दे रहे हैं, you're investing in heaven. तब आप अनंत काल के लिए दे रहे हैं. When you invest in heaven, आप जब आप स्वर्ग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, it will reflect back in your life. तब वो आपके जीवनों में दिखता है. You'll become
much more wiser. आप और बुद्धिमान बनते हैं. You will see that your giving not only is making you wiser, it is actually helping the spread of the kingdom of God. आप ये भी देखेंगे, जब आप देंगे तो आप ये भी देखेंगे, ना ही केवल आप बुद्धिमान हो रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने में भी, बढ़ोतरी में भी आप भागीदार हो रहे हैं. That's why Paul talks to the church in Corinth and says, better give. Through your giving, you will be blessed, but the kingdom of also will grow. इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे देने से तुम्हारा, first of all, you will be blessed. आप तुम खुद आशीषित होगे. And then the kingdom of God will also grow. और परमेश्वर का राज्य भी और बढ़ेगा. In fact, through your giving, God is glorified. तुम्हारे देने से परमेश्वर के नाम की महिमा होगी. Verses 11 to 13, this is what Paul is telling them. 11 से 13 में पॉल ये उनको बता रहा है. He says, because as a result of your ministry, God is glorified through us. तुम्हारी ministry के वजह से परमेश्वर के नाम की महिमा हो रहा है इस ministry के द्वारा. Through us. हमारे द्वारा. So his point is simple. Church, you are giving to me. Church, तुम मुझे दे रहे हो. For my ministry. मेरी सेवकाई के लिए. When I do ministry. जब मैं सेवकाई करता हूँ. Somebody else is coming to Jesus. कोई परमेश्वर के पास आ रहा है. Somebody else came to Christ, so I am glorifying God. किसने यीशु मसीह को ग्रहण किया ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो. For you. तुम्हारे लिए. Because you gave. क्योंकि तुमने दिया. I did ministry. मैं उस मिनिस्ट्री को कर पाया. Because I did ministry. क्योंकि मैं वो मिनिस्ट्री को कर पाया. They came to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आए. They start praising God. वो यीशु की महिमा करने लगे. When they are praising God, जब वो परमेश्वर की महिमा करने लगे. Even though they don't know you, इस बात को जानते हुए कि वो तुम्हें नहीं जानते. When they are praising God, जब वो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं. Indirectly they are thanking God for you. वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं तुम्हारे लिए. You see the connections now? How generosity affects everything. आप देख सकते हैं किस तरीके से उदारता से देना जुड़ा हुआ. That's why I keep teaching in Capstone. We must learn to give to missions. इसलिए मैं चर्च में यही बात को सिखाता रहता हूँ कि हमें missions में देते रहना है. Listen, we must do what we should do. हमें वह करना है जो हमें करना है. What are we supposed to do? हमें क्या करना है? We are supposed to give our tithes to God. हमें अपना दशवांश परमेश्वर को देना. Whatever we earn. Part of it we should give to God. जो भी हम कमा रहे हैं उसमें उसका हिस्सा परमेश्वर को देना है. That is called faithfulness. वह विश्वास योग्यता है. That we must do. वह हमें करना है. We must also do what we could do. हमें वो भी करना है जो कि हम कर सकते हैं. That means we are, even though it is hard for us, we are going to sacrifice little more and give more. वो हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा, परंतु हम उस बलिदान देते हुए हम थोड़ा और ज्यादा करें. That is the part I am asking you to give to missions. वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप missions को missions के लिए उसमें से दें. What you should do, do it for the church of God. आप जो भी करें वह परमेश्वर की कलीसिया के लिए करें. The kalisya you are part of. जिस कलीसिया के आप हिस्सा हैं. What you could do, that means you're taking some more, do it for the mission of God. जो आप कर सकते हैं बचते में से वह परमेश्वर के मिशन के लिए करें. Do you understand that? Yep. Now some of you are looking at me and saying, but I don't have so much. परंतु आप में से शायद कुछ सोच रहे होंगे कि मेरे पास उतना नहीं है. In fact, I want to give, but I don't have it. मैं देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास नहीं है. So my question is, if you have the money, would you do it? तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपके पास होता तो आप करते? You would look. If you say yes, I would do. अगर आप कहें हाँ मैं करता. I'm saying inside your heart, decide that you would do it. तो आप अपने हृदय में इस बात को रखें कि आप करेंगे. That's exactly what Paul told to the church in Corinth. वही चीज पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को बोलता. He said, listen, you already decided. वो कलीसिया को बोलता कि तुमने पहले ही इस बात का निर्णय लिया. When you decided, you may not have the money. जब तुमने डिसाइड किया तब तुम्हारे हाथ में शायद पैसा ना हो. But you decided by faith, right? परंतु तुमने विश्वास में उस बात पे डिसाइड किया. When you decide to give by faith, you must also believe that God will give you that. जब विश्वास में आपने उस बात का निर्णय लिया तो आपको इस बात पे भी विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आपको देगा. So let's go to verses 8 now. Verses 8 of chapter 9, 2 Corinthians chapter 9, verses 8. Chapter 9, verses 8. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:8.
परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. Wait. What is he saying? God is able to give you, God will give you. परमेश्वर आपको देगा. So much he will give you. वो इतना देगा. You will have all you need. तुम्हारे जो जरूरत है उसके हिसाब से पूरा रहेगा. In fact, you will have more so that you can give more to others. इसके साथ तुम्हारे पास और भी रहेगा ताकि तुम दूसरों को दे सको. When does he do that? वो ऐसा कब करेगा? That's why the previous verses he said, give it cheerfully. इसलिए वह पिछले अध्याय में कहता है कि पिछले वचन में कहता है कि आनंद के साथ दो. Give it, whatever you decide, give it. जो भी तुमने निर्णय लिया दे दो. God will give you. परमेश्वर देगा. Even if you don't have it. जब तुम्हारे पास नहीं है तो भी. If you want to give, अगर तुम देना भी चाहते हो, God will give you. परमेश्वर देगा. If you want to give, right? अगर तुम देना चाहते हो, then God will give you. तब परमेश्वर देगा. Verses 10. Look at verses 10. और 10 में कहता है, अतः read it. अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है. कौन दे रहा है? Who's giving the seed? Who's giving the seed? ये बीज कौन दे रहा है? Some of us are saying, I don't have a seed. हम में से कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि मेरे पास बीज नहीं है. What Paul is saying is, decide that you will give a seed. पॉलुस क्या कह रहा है कि इस बात का निर्णय लो कि तुम बीज दोगे. When you decide, then God will give you the seed. जब आप इस बात का निर्णय लेंगे तब परमेश्वर आपको देगा. Now, when God gives you the seed, you must put it in the land. जब परमेश्वर आपको बीज दे रहा है तब आपको उसे जमीन में डालना है. In you can't say, I need it, I want to use it. You can't do that. आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जरूरत है मुझे इसमें से लेना है. You have to decide, I will give whatever God gives me. आपको इस बात का निर्णय लेना है कि परमेश्वर आपको जो भी दे उसे देना है. If you decide that cheerfully, अगर आप इस बात का निर्णय लेंगे आनंद के साथ, He will give you the dana. Then परमेश्वर आपको उस बीज को देगा. अपड़ो, पूरा. Tenth verse. He gives you. वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा. उसको फलवंत करेगा. Look at this. First of all, he's saying he will give you the seed, then he will make it fruitful too. तो वो कह रहा है कि पहले वह तुझे बीज देगा उसके बाद उसे फलवंत भी करेगा. Then you should read the rest of it too. और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा. Look at this. First of all, he says he'll give you the seed. पहले कहता है कि वो तुझे बीज देगा. If you decide to put the seed, और जब तू उस बीज को डालेगा, he will make it fruitful so that you can enjoy the fruit. तो वो उसे फलवंत भी करेगा ताकि उसका फल तू आनंद ले सके. And if you give more, और जब तू और देगा, he will start making it bigger. तो वो उसे और बढ़ाएगा. Look at this. I realized God is such a great God. If I want to be generous, God will teach me how to be generous. हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है कि जब अगर मैं चाहता हूँ उदारता दिखाना तब परमेश्वर मुझे और उदार बनाएगा. I don't have anything. मेरे पास कुछ भी नहीं है. But I want to be generous. परंतु मैं उदारता दिखाना चाहता हूँ. And if I'm real in my heart. अगर मैं अपने हृदय में सच्चा हूँ. Then God will give me the seed. तब परमेश्वर बीज को देगा. Then God will make it fruitful, उसको फलवंत करेगा. And he will multiply it. और उसको और बढ़ाएगा. Not only God commands us to become generous, he teaches us how to become generous. वो हमें केवल आज्ञा ही नहीं देता उदार बनने के लिए परंतु हमें सिखाता भी है कैसे बनना है. How many of us, we must have been losing so much blessing from God simply because we have excuses for not being generous. हम में से बहुत से लोग हैं जो उसकी आशीषों से वंचित रह जा रहे हैं क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हम उदार कैसे. I pray that you, Capstone, you would learn to not only give what you should do, what you should give, but you would learn to give even sacrificially, and what you would be able to do. मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कलीसिया के लोग केवल यही ना सीखें कि कैसे दें परंतु उदारता के साथ बलिदान पूर्ण हृदय के साथ देने. That is why we keep asking you to do for missions. इसलिए हम आपको बोलते रहते हैं कि मिशन के लिए आप दें. Because you, all of you, you will experience true riches of God when you start giving to mission work. क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे तब आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे. How to do that? I'll take 5 minutes. I'll pray first and then I'll challenge you to give for missions.
कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना के बाद कि मिशंस में आप कैसे सहभागिता ले सकते हैं. Let's close our eyes and let's commit ourselves to God. आइए हम प्रार्थना करें. Father, I want to thank you for today. धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए. Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद. Thank you for your generosity towards us. आपकी उदारता जो आपने हम पे दिखाई उसके बाद के धन्यवाद. May we learn to become generous. हम अपने आप को उदार बनाएं परमेश्वर पिता. Help us to become generous. हमारी मदद करें ताकि हम उदार बनें. So many times we don't even do what we are supposed to do. ऐसे बहुत से समय हम उन चीजों को नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए. But you want us to grow beyond that. परंतु आप चाहते हैं कि हम उससे और परे बढ़ें. Not only you are calling us to do what we are supposed to do. आप चाहते हैं कि हम केवल वही ना करें केवल जो आप हमसे चाहते हैं. But you want us to come to a place where we can do more than what we are asked to do. परंतु आप हमसे ये चाहते हैं कि हम आप जो हमसे चाहते हैं हम उससे और ज्यादा काम करने वाले. Even if we are incapable of doing that, you promise that you will provide the seed to do that. हम इस चीज ऐसा करने के लायक नहीं है परंतु आपका वचन बताता है कि आप हमें वो करने के लिए वो बीज देंगे. Even if we don't have anything, you promise that you will give us so that we can give to others. हमारे पास जब कुछ नहीं है तो भी आप हमें ऐसा वचन देते हैं कि आप हमें प्रोवाइड करेंगे ताकि हम दूसरों को दे सकें. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Help us to become generous. हमारी मदद कीजिए ताकि हम उदार बन सकें. So that our life can be measured as righteous through you. ताकि हमारा जीवन आपके आपकी नजर में धर्मी ठहरे. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. Amen.